नमस्ते दोस्तों, इन्फोपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ हीरो। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के बारे में, चार एंड्रॉयड एप्लीकेशन के बारे में जिसमें आप म्यूचुअल फंड और SIP को मॉनिटर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे वो कौन चार चार एप्लीकेशन है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस फोल्डर में चार एप्लीकेशन है। एक है मनी कंट्रोल, दूसरा है यूनिवर्सल MF, और तीसरा है पीजी, और चौथा है ईटी मानी। तो दोस्तों चलिए देखते हैं हम कि कैसे हम इस एप्लीकेशंस के जरिए आप हम म्यूचुअल फंड्स को, टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स को देख सकते हैं, बेस्ट रैंकिंग म्यूचुअल फंड्स को हम देख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे। चलिए दोस्तों देखते हैं। मनी कंट्रोल में हम जाएंगे सबसे पहले। अब मनी कंट्रोल में आप देखिए, ये जो है मनी कंट्रोल का एंड्रॉयड एप्लीकेशंस है, मनी कंट्रोल का एंड्रॉयड ऐप है ये। और इसमें आप देख सकते हैं जो है मनी कंट्रोल ऐप में, यहाँ पर जो सेंसेक्स का आज का परफॉर्मेंस है 18 जनवरी 2018 का, आप इसमें देख सकते हैं। और इसमें फिर निफ्टी का भी जो परफॉर्मेंस है वो देख रहा है, सेंसेक्स अभी आप में चल रहा है। तो यहाँ जो हम लेफ्ट टॉप कॉर्नर में जो तीन बार दिख रहा है, हम उसमें टच करेंगे। तो यहाँ आप देखिए क्या क्या इस ऐप्स के ज़रिए आप जान सकते हैं। ये जो होम पेज हो गया जो अभी हमने सेंसेक्स के बारे में देखा, उसके बाद यहाँ न्यूली की बजट 2018 के बारे में दिया है, मार्केट्स आप देख सकते हैं, न्यूज़, लाइव टीवी, माई स्टॉक्स फॉरम, फिर कॉमोडिटीज, करेंसीज, म्यूचुअल फंड्स, पर्सनल फाइनेंस। तो हम जो है मनी सेवर्स, क्रिकेट, सब्सक्रिप्शन, स्पेशल्स, तो बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें। तो आप देख सकते हैं यहाँ म्यूचुअल फंड्स, इसमें आप म्यूचुअल फंड्स में क्लिक करेंगे तो टॉप रैंक स्कीम्स और टॉप परफॉर्मिंग स्कीम्स, हम जो है टॉप रैंक स्कीम्स हम देखेंगे। तो यहाँ आप देखिए, आप देख सकते हैं इक्विटी और डेप्ट, हाइब्रिड, मनी मार्केट ऑल। अभी जो हमें जो रैंक कैटेगरी दिखा रहा है वो है इक्विटी का लार्ज कैप, और जो NAV वैल्यू है जिसको बोलते हैं नेट एसेस्ट वैल्यू, तो वो आपको कौन से म्यूचुअल फंड का कौन सा NAV कितना है वो दिखा रहा है। जैसे लार्ज कैप में सबसे टॉप में आया है कोटक सेलेक्ट फोकस फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसका जो NAV है नेट एसेस्ट वैल्यू इसका 35.645, और इसका जो रिटर्न है वो देखिए एक साल के जो है, एक साल का रिटर्न 32.4% रिटर्न है। जी हाँ दोस्तों, तो आप जो है इसमें ईयर्स जो है चेंज कर सकते हैं, जैसे 1 मंथ का रिटर्न देख सकते हैं, 3 मंथ का, 6 मंथ का, फिर 1 ईयर का, फिर 2 ईयर का और 3 ईयर का। तो हम चलिए यहाँ 3 ईयर सेलेक्ट करते हैं। तो 3 ईयर में भी आप देख सकते हैं इक्विटी में लार्ज कैप में जो है आप देख सकते हैं कोटक सेलेक्ट फोकस फंड जो है टॉप में है, और 3 साल में इन्होंने रिटर्न दिया है 27.1%, जिसका NAV वैल्यू है 35.645। दूसरे पोजीशन पे भी कोटक सेलेक्ट फोकस फंड है रेगुलर ग्रोथ, और पहला वाला डायरेक्ट ग्रोथ, उसके बाद ABSL टॉप 100 डायरेक्ट ग्रोथ, उसके बाद ABSL, फिर देखिए लार्ज कैप के बाद अभी स्मॉल एंड मिड कैप आया है, इसमें सबसे टॉप में है L&T एमर्जिंग बिजनेस फंड DP ग्रोथ। उसके बाद इसमें आप देख सकते हैं इसका NAV वैल्यू और रिटर्न जो है 43.4% रिटर्न दिया है। उसके बाद आप फिर डाइवर्सिफाइड इक्विटी में भी दिखा रहा है आपको कौन सा है, और फिर ELSS क्लास में आप देखिए IDFC टैक्स एडवांटेज, उसके बाद ELSS इसमें भी दिखा रहा है, और फिर इंडेक्स में कोटक, निफ्टी, ETF, इसका ये सब जो है आप देख सकते हैं। फिर इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, जैसे आप ये जो है इसमें क्लिक कीजिए, यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए ओवरव्यू जो है आप दिखा रहा है, इसमें 52 वीक का हाइस्ट रिटर्न जो है इसने 35.731 जो 15 जनवरी 2018 को दिया था, और जिसका लोएस्ट रिटर्न है वो 26% है, 26.877%। और इसमें आप देखिए मंथ वाइज रिटर्न है, फिर फर्स्ट मंथ, फिर थर्ड मंथ में, सिक्स मंथ में, फिर ईयर वाइज भी इसका रिटर्न देखेंगे, अगर 5 साल में देखेंगे लॉन्ग टर्म में तो इसने 21.6% जो है रिटर्न दिया है, और 5 साल का इसका रैंकिंग देखेंगे कोटक महिंद्रा का तो इसमें जो है आपका 4th रैंक में है। तो ये हो गया आपका ओवरव्यू। फिर इन्फॉर्मेशन के बारे में आप जान सकते हैं इसमें,
देखिए इसमें फंड कैटेगरी लार्ज कैप है, फंड फैमिली कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड, फंड टाइप ओपन एंडेड है, इन्वेस्टमेंट टाइप जो है ग्रोथ है। उसके बाद इसमें लॉन्च डेट भी दिया हुआ है 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ है। फिर बेंचमार्क जो है S&P CNX निफ्टी, इसका एसेट साइज जो है इन करोड़ में है 3,861.69 करोड़। एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप इसमें लमसम में 5,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं और SIP में आप मिनिमम 500 से स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट डिविडेंड नॉट अवेलेबल, बोनस नॉट अवेलेबल। इसका जो फंड मैनेजर है वो भी आप जान सकते हैं, हर्ष उपाध्याय। इसका पोर्टफोलियो अगर आप देखेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी और सेक्टर और एसेट पर्सन। इसने पोर्टफोलियो में अपने कहाँ कहाँ पैसा लगाया, HDFC बैंक में बैंकिंग एंड फाइनेंस में इसने 6.49% लगाया है, रिलायंस एंड ऑयल गैसेस में 5.20, SBI बैंकिंग एंड फाइनेंस में 4.02, HDFC बैंकिंग फाइनेंस में 3.89, ICICI में जो है बैंकिंग एंड फाइनेंस में 3.86। इसी तरह इन्होंने जो कहाँ कहाँ अपना पैसा लगाया वो दिखा दिया है आपको, और सेक्टर एलोकेशन कौन से सेक्टर में कितना लगाया। बैंकिंग एंड फाइनेंस में सबसे ज़्यादा इन्होंने देखिए ये जो बैंकिंग एंड फाइनेंस में लगाया 30.09%, ऑयल एंड गैस में उसके बाद सबसे ज़्यादा लगाया है 14.96%, ऑटोमोटिव में 10.93%, सीमेंट में 6.97%, इंजीनियरिंग में 6.32% और मैन्युफैक्चरिंग में 4.62%। तो ये है इसका एसेट एलोकेशन, और एसेट एलोकेशन और सेक्टर एलोकेशन हो गया। अभी एसेट एलोकेशन देखेंगे तो इसमें इक्विटी में सबसे ज़्यादा लगा है 90.29%, आदर्श में जो है 2.33% और डेब्ट में 0.75%। तो ये दोस्तों आप जो है मनी कंट्रोल से आप इस तरह से अपना जो है चीज़ें जान सकते हैं। उसके बाद जो है आप अपना खुद का यहाँ अकाउंट खोल के आप जो है अपना ट्रैक भी कर सकते हैं, फोलियो वगैरह आपका अगर फोलियो है तो आप इसमें रजिस्टर करके अपना फोलियो को ट्रैक कर सकते हैं, खुद का अकाउंट खोल सकते हैं। तो इसमें जो है काफ़ी सारे आपका फीचर्स है, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आप इसमें लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, हिंदी है, गुजराती है, इंग्लिश है, तो इन तीनों लैंग्वेज में से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो है ये एप्लीकेशन जो है मनी कंट्रोल, ये आपको पूरी डिटेल्स में म्यूचुअल फंड के बारे में बताता है। तो दोस्तों ये था म्यूचुअल फंड को मॉनिटर करने के लिए, SIP को मॉनिटर करने के लिए एक एंड्रॉयड बहुत ही खास एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन। और भी हम 2-3 एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो जो है थोड़ा सा लेंथी होगा, लेकिन आपको पूरा फुल वीडियो देखना चाहिए पूरी जानकारी के लिए। तो अभी हम जो है दोस्तों दूसरे ऐप के बारे में भी देखेंगे। तो हम ही अब जो है दूसरा ऐप जो है यूनिवर्सल म्यूचुअल फंड। जी हाँ, ये भी एक बहुत ही अच्छा एंड्रॉयड एप्लीकेशन है म्यूचुअल फंड को मॉनिटर करने के लिए। आप जो है यहाँ पोर्टफोलियो, अगर आपने म्यूचुअल फंड कराया है, आपका फोलियो है, तो आप इसमें रजिस्टर करके यूज़र आईडी और पासवर्ड बना के आपका फोलियो जो है इसमें ट्रैक कर सकते हैं। फिर हम बैक में जाते हैं, इसमें देखिए टॉप स्कीम्स में आप इसमें क्लिक कीजिएगा तो आपको जो है यहाँ पर जो है ये एप्लीकेशन आपको टॉप स्कीम्स दिखाएंगे। यहाँ देखिए कैटेगरी में जो है अभी लार्ज कैप दिखा रहा है, और इसमें जो है आपको रिटर्न जो है कौन से अभी जो यहाँ दिखा रहा है, देखिए जो 1 ईयर है उसमें अभी ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो रखा है। अगर हम 3 ईयर्स का रिटर्न देखेंगे तो ये देखिए ये जो स्कीम से चेंज हो गया। उसके बाद आप 5 ईयर्स में भी देखेंगे तो ये चेंज हो गया। इस तरह से आप मंथली ईयरली देख सकते हैं कौन सा म्यूचुअल फंड कितना रिटर्न दे रहा है। अगर हम अभी जैसे हम 3 साल के देखेंगे तो 3 साल के में देखिए अभी स्कीम में आदित्य बिरला सन लाइफ इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड रेगुलर ग्रोथ, ये जो है रिटर्न में 16.14% दिया है। उसके बाद अगर हम फाइव ईयर्स का क्लिक करेंगे तो इसमें देखिए आदित्य बिरला सन लाइफ इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड रेगुलर, इसमें जो है रिटर्न 24.68% 5 ईयर्स में दिया है। तो इस तरह से अभी जो हम ये जो देख रहे हैं कैटेगरी लार्ज कैप है और ये इक्विटी है, आप इसमें चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए इक्विटी में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फिर सेक्टोरल है, ग्लोबल इंडेक्स, इक्विटी ओरिएंटेड, इस तरह से अलग अलग आपको म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी की आप देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसे अभी हम देख रहे थे लार्ज कैप, अभी जैसे मिड कैप देखेंगे तो मिड कैप का देखिए अभी हम देखते हैं। तो यहाँ मिड कैप में देखिए एसेस्ट एमर्जिंग ब्लू चिप फंड रेगुलर ग्रोथ, इसमें 30.55% रिटर्न दिया है 5 साल में, ये टॉप में है।
उसके बाद अगर हम ये मिड कैप के बारे में बात किया, अभी अगर हम स्मॉल कैप के बारे में देखेंगे तो इसमें देखिए SBI स्मॉल एंड मिड कैप फंड रेगुलर ग्रोथ जिसने 37.62% रिटर्न दिया है। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है इस एप्लीकेशन में कौन सा बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है उसके बारे में आप कैटेगरी वाइज रैंकिंग वाइज देख सकते हैं। उसके बाद हम अगर बैक में जाएंगे तो इसका देखिए हम फंड पिक्स कर सकते हैं, हम यहाँ से फंड भी खरीद सकते हैं। और अगर यहाँ टूल्स देखेंगे आप तो देखिए SIP कैलकुलेटर, यहाँ पर SIP कैलकुलेटर से आप SIP कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आप मंथली सेविंग 5,000 करना चाह रहे हैं और इन्वेस्टमेंट पीरियड 15 साल या फिर 10 साल के लिए करना चाहते हैं, मान लीजिए आप 10 साल के लिए करना चाहते हैं और फिर आप जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो 12% एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेट करने के बाद देखिए आप जो है यहाँ ग्रोथ चार्ट दिखा रहा है आपको। आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है, इफ़ यू इन्वेस्ट ₹5,000 पर मंथ फॉर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, योर SIP अमाउंट विल ग्रो टू 11,61,000। जी हाँ, आपने इन्वेस्ट किया है ₹6,00,000 और आपको जो 10 साल में अगर ₹5,000 पर मंथ आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 11,61,000 का प्रॉफिट हो सकता है। तो इस तरह से जो है आप जो है इसमें अपना SIP कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद टूल्स में और भी दो चार अच्छे टूल्स हैं, जैसे कि कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू। आप इसमें जैसे मंथली इन्वेस्टमेंट आप 5,000 करना चाह रहे हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट पीरियड जो है आप 10 साल के लिए करना चाह रहे हैं और रिटर्न जो है आप अगर 12% करना चाह रहे हैं तो कैलकुलेट करेंगे तो इसमें देखिए आप जो है देख सकते हैं वैल्यू एट एंड ऑफ टेन्योर जो है आपका 11,20,179 रुपीज़। ये जो है आप देख सकते हैं इसमें आपका इतना एकुमुलेटेड होगा, आपका जो मनी है ये एकुमुलेटेड नहीं, आप इतना गेन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप फ्यूचर कैलकुलेटर भी है इसमें। उसके बाद कॉस्ट ऑफ डिले, अगर आप 6 महीना डिले करेंगे या 1 साल डिले करेंगे तो आपको कितना लॉस हो सकता है। जैसे मंथली इन्वेस्टमेंट इसमें 5,000, इन्वेस्टमेंट पीरियड 5 ईयर्स और एक्सपेक्टेड रिटर्न 12%। और डिले अगर मान लीजिए आपने 6 महीना इसमें, मान लीजिए आपने 4 महीने बाद कर रहे हैं आप SIP, इसमें अगर कैलकुलेट करेंगे तो देख सकते हैं आपका जो लॉस होगा वो देखिए, अगर आप 4 महीने बाद SIP करें तो आपको 53,170 रुपीज़ जो है वो 170 रुपीज़ वो लॉस हो सकता है। डिले ऑफ 6 मंथ्स इन स्टार्टिंग योर SIP ऑफ ₹5,000 विल कॉज एन नोशनल लॉस ऑफ ₹53,170 इन द फाइनल वैल्यू ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। तो इस तरह से आप जो डिले कैलकुलेटर भी है जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका SIP अगर डिले करेंगे तो क्या क्या लग सकता है। उसके बाद SIP टेन्योर है, फिर EMI कैलकुलेटर है, लमसम इन्वेस्टमेंट है, एजुकेशन कैलकुलेटर है, मैरिज कैलकुलेटर है और रिटायरमेंट कैलकुलेटर है। इस तरह से ये एप्लीकेशन आपको बहुत मदद करेगा दोस्तों। और आप जो है इसमें रजिस्टर्ड करके अपना फोलियो जो है वो भी ट्रैक कर सकते हैं इस ऐप के जरिए। तो ये हो गया, अब मैंने दो ये दो है ये हो गया म्यूचुअल फंड मॉनिटर करने के लिए दूसरा एप्लीकेशन। अभी हम दोस्तों अभी जो है हम दूसरा एप्लीकेशन में जाएंगे। तो हमने मनी कंट्रोल पहले बात कर लिया, फिर यूनिवर्सल म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर लिया, अभी हम जो है पिगी ये जो एप्लीकेशन है इस एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे कि इसमें क्या क्या कर सकते हैं आप। ये एप्लीकेशन ऑन करेंगे तो इसमें देखिए ये ऐप जो है लोड हो रहा है। तो यहाँ देखिए इसमें जो है आपका आ रहा है डैशबोर्ड और टॉप म्यूचुअल फंड्स। डैशबोर्ड आप जो है दोस्तों यहाँ अगर आपने अभी तक SIP नहीं किया है तो आप ऑनलाइन भी इसमें अपना अकाउंट खोल के SIP कर सकते हैं। आपका जो EKYC है ये जो एप्लीकेशन के जरिए भी आप EKYC करा सकते हैं और इसमें जो है आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। और आप जो है यहाँ देखिए टॉप म्यूचुअल फंड्स, टॉप म्यूचुअल फंड्स में जो है आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, इसमें ऑल है, फिर इक्विटी है, फिर डेप्ट है, लिक्विड है, टैक्स है, बैलेंस्ड है।
तो इसमें हर कैटेगरी का आप जो म्यूचुअल फंड है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो हम अभी देखेंगे जैसे देखेंगे देखेंगे कि हम अभी इक्विटी में देखते हैं। तो इक्विटी में देखिए इस ऐप के हिसाब से जो है मोतीलाल ओसवाल मोस्ट फोकस्ड 25 फंड डायरेक्ट प्लान जो है ये तीन साल का एवरेज जो रिटर्न है वो दिखा रहा है 13.23%। ये इसका कैटेगरी यहाँ आप नीचे देख सकते हैं लार्ज कैप इक्विटी करके दिखा रहा है। यहाँ अगर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ जो है इसका एनएवी वैल्यू दिखा रहा है 17 जनवरी 2018 को इसका एनएवी वैल्यू जो 23.55 दिखा रहा है। तो इस तरह से आप जो इसका एनएवी वैल्यू पता कर सकते हैं। इसमें एब्सोल्यूट रिटर्न्स जो है इसने कब दिया है कित कब और इसका इन्वेस्ट में इसमें देखिए आप इन्वेस्ट करके आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं इसमें। और ओपन एंड इसका स्कीम टाइप जो है देखिए ओपन एंडेड है और स्कीम कैटेगरी लार्ज कैप है। बेंचमार्क जो है निफ्टी 50 इंडेक्स और हाईएस्ट रिटर्न वन ईयर रिटर्न इसने 66.10% दिया है 14 जनवरी 2015 को दिया है इन्होंने। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन लमसम वैल्यू जो है इसमें 5000 है और आप एसआईपी करना चाहते हो इसमें मिनिमम 500 से भी शुरू कर सकते हैं। इसकी स्कीम अमाउंट इसमें दिया हुआ है करोड़ में 869.58 और एएमसी अमाउंट जो है ये भी दिया हुआ है करोड़ में जो कि 12,967 करोड़ से। इसमें आप अगर इसका ये एब्सोल्यूट जहाँ लिखा है इसमें स्विच करेंगे एनएवी ट्रेंड इसका देखिए एनएवी ट्रेंड देखेंगे तो कभी चढ़ा है कभी बढ़ा है लेकिन अभी फिलहाल का देखिए तो ये चढ़ा हुआ है एनएवी वैल्यू। तो इसमें अगर व्यू इसके इसमें देखिए रिस्कोमीटर भी आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें रिस्कोमीटर में दिखा रहा है कि मॉडरेटली हाई रिस्क करके दिखा रहा है। उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव में जाके आप इसमें ऑब्जेक्टिव्स पढ़ सकते हैं। फिर इसमें सुइटेबिलिटी है इसके बारे में सुइटेबिलिटी में देख सकते हैं और एलोकेशन इसने कहाँ कहाँ पैसा लगाया वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए इन्होंने जो है कहाँ कितना पैसा लगाया सर्विसेज में उसके बाद इंजीनियरिंग्स में फिर फाइनेंशियल्स ऑटोमोबाइल्स और फिर एफएमसीजी। तो ये हो गया। और उसके बाद अगर आप व्यू स्कीम डॉक्यूमेंट्स देखना चाहें तो यहाँ क्लिक करके इसका जो स्कीम्स है वो आप स्कीम्स देख सकते हैं। देखिए यहाँ डाउनलोड हो रहा है अभी इसका डॉक्यूमेंट्स वो डॉक्यूमेंट्स आप जो है देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये भी एप्लीकेशन जो है म्यूचुअल फंड्स के लिए काफ़ी मददगार है। आप इसमें से म्यूचुअल फंड्स टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स जो है वो देख सकते हैं। तो ये देखिए अभी जो है ये डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड हो गया है यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स भी इस एप्लीकेशन से डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट्स के बारे में ये आप इसमें से डॉक्यूमेंट्स भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका तीसरा एप्लीकेशन म्यूचुअल फंड देखने के लिए। अभी हम जो है चौथा एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे ईटी मनी। ये जो है चौथा एप्लीकेशन है ईटी मनी इसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ देखिए आप ईटी मनी में अभी हम देखते हैं ईटी मनी में कैसे हम म्यूचुअल फंड्स को ट्रैक कर सकते हैं। देखिए यहाँ ईटी मनी में जो है आप इसमें अलग अलग कैटेगरीज आ रहा है जैसे स्पेंड्स है स्मार्ट डिपॉजिट है इन्वेस्टमेंट। आप इन्वेस्टमेंट में जाएंगे जिसमें SIPN इसमें देखिए इंट्रोड्यूसिंग ए कंप्लीट इन्वेस्टमेंट उसे फाइंड म्यूचुअल फंड्स टू बाय और एड एग्जिस्टिंग फंड्स टू ट्रैक। अगर आपका फंड ऑलरेडी है फोलियो है पोर्टफोलियो तो आप इसमें ट्रैक भी कर सकते हैं। जैसे हम फाइंड म्यूचुअल फंड्स टू बाय यहाँ क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं देखिए स्मार्ट सॉल्यूशंस में एग्रेसिव जिसमें है बिल्ड वेल्थ फॉर ए लाइफ गोल उसके बाद बैलेंस क्रिएट अट्रैक्टिव एंड कंसिस्टेंट इनकम उसके बाद सेफ फॉर फाइनेंशियल इमरजेंसीज एंड टैक्स सेवर सेव अप टू 45,000 ऑन टैक्सेस। तो इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हैंड पिक म्यूचुअल फंड्स कैटेगरीज फॉर यू हैंड पिक्स में इसमें देखिए टॉप टैक्स सेवर फंड्स है ELSS क्लास जिसको बोलते हैं उसके बाद टॉप परफॉर्मिंग फंड्स फ्रॉम टॉप AMCs बेस्ट प्लेस टू पार्क मनी फॉर 3 मंथ उसके बाद देखिए हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न्स एग्रेसिव फंड्स विद हाई रिटर्न्स एंड बैलेंस गुड रिटर्न्स विद लो रिस्क। उसके बाद मोस्ट पॉपुलर कैटेगरीज में लार्ज कैप मिड कैप टैक्स प्लानिंग लिक्विड अल्ट्रा शॉर्ट टर्म एंड इक्विटी ओरिएंटेड। तो इस तरह से जो है आपको ये जो एप्लीकेशन है अलग अलग तरीका का जो है आपको दे रहा है आपको अलग अलग तरीका का कैटेगरी का आपको म्यूचुअल फंड्स जो है ये एप्लीकेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है। जैसे आप एग्रेसिव में क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए लॉन्ग टर्म होराइजन हाई रिस्क टॉलरेंस एंड हाई रिटर्न्स आप कौन से कैटेगरी में जाएंगे। जैसे हाई रिटर्न्स आपको चाहिए तो आप हाई रिटर्न्स में भी जा सकते हैं।
अब व्यू फोलियो करेंगे तो इसमें देखिए SBI मैग्ना मिड कैप फंड ग्रोथ जो है ये एग्रेसिव रिटर्न दे रहा है 33%, ICICI प्रूडेंशियल फोकस ब्लू चिप इक्विटी फंड ग्रोथ लार्ज कैप 33%, कोटा की इमर्जिंग इक्विटी स्कीम रेगुलर ग्रोथ 33%, इस तरह से ये दिखाएगा एप्लीकेशन आपको। फिर आप जैसे बैलेंस में देखेंगे तो यहाँ व्यू फोलियो करेंगे तो इसमें कुछ देख रहा है मोतीलाल ओसवाल मोस्ट फोकस 25 फंड रेगुलर ग्रोथ लार्ज कैप 33%, और बेनवेस्को इंडिया ग्रोथ फंड ग्रोथ फंड ग्रोथ लार्ज कैप 33%, आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंट लाइन इक्विटी फंड ग्रोथ लार्ज कैप 33%, इस तरह से आपको दिखा रहा है। उसके बाद आप जैसे सेफ में जाएंगे तो यहाँ व्यू फोलियो करेंगे तो इसमें SBI इक्विटी सेविंग फंड रेगुलर ग्रोथ इक्विटी ओरिएंटेड 33%, DSP ब्लैक रॉक इक्विटी सेविंग फंड रेगुलर ग्रोथ इक्विटी ओरिएंटेड 33%, इस तरह से इसमें रेकमेंडेड फंड्स किया हुआ है। और आप इस ऐप के ज़रिए आप जो है SIP खरीद भी सकते हैं, और इसमें फिर टैक्स सेविंग टैक्स सेवर के लिए भी है। इस पर व्यू फोलियो करेंगे तो आपका ये दिखा रहा है आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ 96 ग्रोथ ELSS क्लास का 40%। तो इस तरह से जो है ये आपको बिल्कुल कैटेगरी वाइज जो है अलग से एक कैटेगरी करके दिखा रहा है। और इसमें आप टॉप परफॉर्मेंस फंड्स फ्रॉम AMC इसमें क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपको जो है ये अभी लिस्ट दिखाएगा, जिसे मायरे एसेस्ट इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड रेगुलर ग्रोथ ये जो है आपको 15.6% रिटर्न दे रहा है पर एनम इस 3 ईयर, ये जो है 3 ईयर का है। आप इसमें कैटेगरी वाइज लेकर 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ 1 ईयर 3 ईयर और 5 ईयर अलग अलग है, इसी तरह से आप चूज कर सकते हैं। इसमें भी देखिए SBI ब्लू चिप फंड ग्रोथ इन्होंने 13.4% पर एनम जो है ये रिटर्न दे रहा है। रिलायंस टॉप 200 फंड रिटेल ग्रोथ, तो इस तरह से आप जो है यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही ईटी मनी जो है ये भी एक बहुत अच्छा ऐप है आपका फोलियो ट्रैक करने के लिए, नया SIP खरीदने के लिए, और जो बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड से टॉप रैंकिंग म्यूचुअल फंड्स के उसको बिल्कुल कैटेगराइज देखने के लिए। तो दोस्तों ये था म्यूचुअल फंड से रिलेटेड मेरा एक बहुत ही इन्फॉर्मेशनल एंड यूजफुल वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों जो आपका दोस्त भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है उसको शेयर कीजिए, और मेरे चैनल इन्फोपीडिया को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको इसी तरह से इन्फॉर्मेशन वीडियो अपलोड देता रहूँगा। और मिलता हूँ दोस्तों बहुत ही जल्द आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।